Assalamualaikum viewers, welcome back to the BRS Physiology. Page number है 216 और topic है digestion of protein. तो digestion of protein को भी बिल्कुल हम पिछली वीडियो की तरह पढ़ेंगे, जैसे हमने digestion of carbohydrates पढ़ा था. Digestion आपको पता है breakdown of large molecule into the small molecule. अब जब protein की बात आती है तो protein का जो हमारे पास पॉलीमर होता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, प्रोटीन एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि ब्रेक डाउन होती है इनटू द डाइपेप्टाइड एंड देन डाइपेप्टाइड आर फर्दर ब्रेक डाउन इनटू द अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी प्रोटीन डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स. तो कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं? पेज नंबर 216 है बीआरएस फिजियोलॉजी का. मैं आपके साथ सिंप्लीफाई करने के लिए अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ. तो वेरी फर्स्ट थिंग फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज एंडोपेप्टाइडेज. एंडोपेप्टाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज करता है इंटीरियर पेप्टाइड बॉन्ड को. ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, उसके दरमियान में एक प्रोटीन, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान में जो लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक डाउन कर रहा होता है कौन? एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम. तो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स को जो है वो ब्रेक कर रहा होता है इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन. देन हमारे पास आता है एक्सोपेप्टाइडेज. अब बड़ी सी चेन ब्रेकअप हो गई, सारे अमाइनो एसिड आ गए. अब इन अमाइनो एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं, या इन अमाइनो एसिड को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं? एक्सोपेप्टाइडेज. तो एंडोपेप्टाइडेज किसको तोड़ेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ेगा. एक्सोपेप्टाइडेज किसको तोड़ेगा? अमाइनो एसिड्स को तोड़ देगा. ठीक हो गया. देन बीआरएस के पेज नंबर 217 पे फिर पेप्सिन के बारे में लिखा हुआ है. पेप्सिन आपको पता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो पेप्सिनोजिन यानी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आपके स्टमक के अंदर पड़ा होता है और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है. तो ये हमारे पास चीफ सेल्स ऑफ स्टमक से जो है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन. जहाँ जिन लगा हुआ होता है ना, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है. उस इनएक्टिवेटेड फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म में. तो जो आपका पेप्सिन है ना, इसकी ख़ास बात है जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, इसकी बड़ी ख़ास बात है कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी स्पेसिफिक टू द पीएच. यानी कि एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करेंगे ये भाई साहब, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे. तो इनकी जो स्पेसिफिक पीएच है वो 1 से लेके 3 तक है, यानी एसिडिक पीएच में काम करेंगे. तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें एसिडिक पीएच चाहिए होती है. तो ये एसिडिक पीएच स्टमक में कैसे आती है? जब बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, यानी कि गैस्ट्रिक एच आइंस जो होते हैं वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं. अब पेप्सिन जो होता है ये फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करवाता है. बता दिया मैंने आपको कि पेप्सिन वेरी सेंसिटिव वेरी स्पेसिफिक टू दी पीएच होता है. तो 1 से लेके 3 यानी एसिडिक पीएच पे ये काम करेगा. लेकिन जैसे जैसे पीएच अल्कलाइन हो रही होगी यानी 5 से ऊपर जाती है पीएच, तो ये डीनेचर्ड हो जाता है. एंजाइम्स की खास बात भी यही होती है कि बड़े सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टू पीएच होते हैं. अगर पीएच अल्टर्ड हो जाए तो ये डीनेचर्ड हो जाते हैं. देन हमारे पास आ जाते हैं पेंक्रियाटिक प्रोटीएसिस. तो पेंक्रियाटिक प्रोटीएसिस कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि पेंक्रियास से रिलीज होकर आपकी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इसमें सबसे पहले आ जाता है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन भी पता है आपको, इसके साथ भी जिन लगा होता है, ये ट्रिप्सिनोजिन होता है. ट्रिप्सिनोजिन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज एंटेरोकाइनेज. और ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से रिलीज होता है? ये आपके ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन से रिलीज होता है. तो ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड इनटू द ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन या ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है? फर्दर एंजाइम्स जैसे कि काइमोट्रिप्सिन, प्रो इलास्टेज, इलास्टेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी फर्दर एक्टिवेट होते हैं. तो एंजाइम्स के लिए जहाँ तक कंसर्न्ड है, तो आपको ये पता होने चाहिए कि कौन कौन से एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं. एंडोपेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा. एक्सोपेप्टाइडेज अमाइनो एसिड को हाइड्रोलाइज कर देगा. पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन करवाएगा विद द हेल्प ऑफ HCl. ओके, एंड देन पेंक्रियाटिक प्रोटीएसिस जो होते हैं इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेसिस एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी आ जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे एंजाइम मिलके प्रोटीन की डाइजेशन को फर्दर प्रोसीड अप करवाते हैं.
तो अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है फिर आता है किसका नंबर, एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन 217 पेज BRS फिजियोलॉजी, इसमें एब्जॉर्प्शन के भी दो तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। अब आपके जितने भी प्रोटीन्स हैं ना, यानी कि आपकी पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर दिया सारे के सारे एंजाइम्स ने किस में, डाइपेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। यानी इतना छोटा छोटा तोड़ दिया, या तो वो डाइपेप्टाइड्स बन गए या फिर वो अमाइनो एसिड्स बन गए। अब जो फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, सोडियम डिपेंडेंट अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। जितना प्रोटीन था डाइजेस्ट होके ल्यूमेन के स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आ जाता है, फिर ल्यूमेन से सेल के अंदर जाना है। ल्यूमेन से सेल के अंदर ये किसकी मदद से जाता है, ट्रांसपोर्टर्स की मदद से जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि आपका जो प्रोटीन या जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वो कुछ ट्रांसपोर्टर्स की मदद से इंटेस्टाइन्स के सेल में जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटीन के लिए कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं या अमाइनो एसिड्स के लिए कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो जो फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हमारे पास हैं सोडियम डिपेंडेंट अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, जो कि ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे SGLT1 और GLUT1 रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद थे, आपके कार्बोहाइड्रेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए थे, ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या होता है, SGLT इज एनालॉग टू सोडियम डिपेंडेंट अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, ठीक। देन जो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टर होता है वो हाइड्रोजन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, मैं अगेन ट्रांसपोर्टर्स को रिपीट कर देती हूँ कि देखें जितने भी इंजाइम्स थे उन्होंने स्टमक के अंदर अच्छे से जो है वो प्रोटीन डाइजेशन कर दी, जो बची कुची डाइजेशन रह गई थी वो पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेस ने कंप्लीट कर दी। अब सारा का सारा डाइजेस्टेड प्रोटीन कहाँ पे आया, आपके ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब जो डाइजेस्टेड प्रोटीन था, या तो वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में था या फिर वो डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स की फॉर्म में था, ठीक हो गया। अब ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टेड प्रोटीन ने कहाँ जाना है, सेल के अंदर जाना है। ल्यूमेन से सेल के अंदर जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए। कौन से ट्रांसपोर्टर चाहिए, दो तरह के ट्रांसपोर्टर हैं। अगर फ्री अमाइनो एसिड होगा तो इसके लिए हमारे पास सोडियम डिपेंडेंट अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर होगा, लेकिन अगर डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स होंगे तो हाइड्रोजन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर होगा। सेल के अंदर चले गए, अब सेल से ब्लड में जाना है तो सिंपल फैसिलिएटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो, बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है और ना ही इसमें कोई ऐसी खास पैथोलॉजी लिखी हुई है। आप इसको कंसाइट कर सकते हैं BRS के पेज नंबर 216 and 217 से। और अगर मैंने पूरे टॉपिक में कहीं पे कोई मिस्टेक की है, काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिए। अगर मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इसे दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।